ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर इंदु सूद में। आपको मेरे इस चैनल पर ऐसे उपाय और रेमेडीज मिलती हैं जो काफ़ी आसान होती हैं और जिन्हें हम घर बैठे आसानी से बिना ज़्यादा खर्च किए यूज़ कर सकते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के बारे में। मेरे पास सरकारी नौकरी को लेकर इतने सारे कॉल्स और मैसेज आते हैं कि मैडम सरकारी नौकरी के लिए आप कुछ बताइए। हर कोई चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि जिसकी सरकारी नौकरी लग जाती है उसके लिए फाइनेंशियली इस धरती पर स्वर्ग के समान जिंदगी हो जाती है। सरकारी नौकरी वालों को जैसे लगता है कि फाइनेंशियली तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। जैसे पिछले टाइम में कोरोना करके बहुत सारे लोगों को, सभी लोगों को पैसों की तंगी का, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। सेफ रहे तो वो लोग जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी, जिनकी सरकारी नौकरी थी। हर कोई चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी लगे, लेकिन हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि सरकारी नौकरी आपकी नसीब में है या नहीं इसके लिए हमें होरोस्कोप देखनी पड़ती है। और सरकारी नौकरी होने के लिए, सरकारी नौकरी यानी कि सरकार से मिलने वाला प्रॉफिट, जब हमें सरकारी नौकरी चाहिए होती है तो उसके लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य अच्छा होगा तभी आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अब सूर्य अच्छा है या नहीं, सूर्य अगर पीड़ित हो जाए यानी कि सूर्य नीच का हो जाए, या फिर सूर्य शनि इकट्ठे बैठ जाए, या फिर सूर्य को ग्रहण लग जाए, या फिर सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, तब भी मतलब स्वर्ग जो सूर्य है वो पीड़ित हो गया। तो अगर सूर्य पीड़ित हो गया तो हमें सरकारी नौकरी मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ऐसे गंवा देते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करने से पहले आपको जैसे अपनी होरोस्कोप ज़रूर चेक करवानी चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपके नसीब में है भी या नहीं। अब जैसे हमें जब बीमारी होती है, हमें बुखार होता है, खांसी होती है, तो हम किसके पास भागते हैं? डॉक्टर के पास। इसी तरह अगर जब आपको कुछ जानना है अपने लिए, तो हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जानने के लिए हम क्यों थोड़ा सा भी डिले करते रहते हैं? ये जैसे कि एस्ट्रोलॉजर, मैं ये नहीं कहती कि एस्ट्रोलॉजर भगवान है। अगर आपके होरोस्कोप में सरकारी नौकरी का योग नहीं है फिर भी वो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजर आपको सिर्फ एक सही राह दिखाते हैं। अगर आपको किसी मंजिल पे पहुंचना है और आपको वहाँ का रास्ता यानी कि वहाँ तक पहुँचने के लिए सही रूट पता लग जाए तो आपके लिए मंजिल तक पहुँच जाना काफ़ी आसान होता है। इसलिए सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करने से पहले आपको अपनी होरोस्कोप जरूर चेक करवानी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि आपको लगता है कि आपकी होरोस्कोप में सरकारी नौकरी है, सूर्य काफ़ी अच्छा बैठा है, फिर भी आपको डिले हो रहा है। सर कितनी मेहनत कर रहे हैं आप, हमेशा थोड़े से पॉइंट से रह जाते हैं, कभी ना कभी कभी इंटरव्यू में रह गए, कभी आपका कोई टेस्ट क्लियर नहीं होता, तो आपको उसके लिए मैं बताती हूँ कि क्या करना चाहिए कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। सरकारी नौकरी पाने के लिए मैं आपको जो उपाय बताऊंगी आपको उनको ज़रूर फॉलो करना है। सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको सबसे पहले सूर्य को अच्छा करना होगा, ये तो आप सब जानते ही हैं। आप सब इतने स्मार्ट तो हो ही सही कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य यानी कि हमारे फादर, सूर्य को अच्छा करने के लिए सबसे पहले आप अपने फादर की रिस्पेक्ट कीजिए। मैं अपने फादर की, आप अपने फादर की रिस्पेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन जैसे आपने अपने फादर की कर ली और आप कहीं गए, बस में गए, ऑटो में गए, वहाँ पे जो बैठे हैं अंकल बुज़ुर्ग आप उनको डांट देते हैं, आपको रास्ते में कोई रिक्शे वाला मिल जाए आप उसको डांट देते हैं, तो वो भी तो किसी के फादर है, वो भी तो किसी के पिता हैं। आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट के साथ साथ अपनी फादर की एज के सभी पर्सन की रिस्पेक्ट करनी है, तभी आपका सूर्य अच्छा होगा। वरना आपकी होरोस्कोप में अगर सरकारी नौकरी का योग है भी सही और सूर्य काफ़ी अच्छा है भी सही, तब भी आपको मतलब डिले होती रहेगी किसी ना किसी कारण से। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सूर्य अच्छा है तो गवर्नमेंट जॉब जरूरी लगेगी, आपको सूर्य को ख़राब नहीं करना, यानी कि सूर्य अच्छा है हमें उसको ख़राब नहीं करना। आप अपने फादर की, फादर के एज की, लोगों की
रिस्पेक्ट जरूर कीजिए, अपने फादर इन लॉ की रिस्पेक्ट कीजिए, तभी आपका सूर्य अच्छा होगा। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि सूर्य को अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी लगे, उन्हें सुबह जल्दी जरूर उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर टाइम से उठना, उन्हें रोज सूर्य देवता को प्रणाम करना है और सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है। सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो लोग देर तक सोते रहते हैं उनका सूर्य तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, और जिसका सूर्य अच्छा नहीं है तो वो सरकारी नौकरी की जो बात है वो तो भूल ही जाएं। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में कि सरकारी नौकरी के लिए आपको क्या करना है। सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको संडे के दिन यानी कि संडे जो रविवार को गुड़ जरूर खाना है और गाय को भी गुड़ खिलाना है। गाय को गुड़ खिलाने से आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, सूर्य को अच्छा करने के लिए आपको यानी कि जैसे आप चाहते हैं कि सूर्य अच्छा हो, सूर्य स्ट्रोंग हो जाए, तो आपको रविवार से शुरू करके सूर्य देवता के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप जरूर शुरू कर देना चाहिए। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत जल्दी बन जाएंगे। सूर्य का बीज मंत्र बहुत अच्छा उपाय है सूर्य को स्ट्रोंग करने का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, सूर्य को अच्छा करने के लिए आपको संडे को यानी कि रविवार को नमक खाना बंद कर देना चाहिए। जितना ज़्यादा हम संडे वाले दिन नमक खाते हैं यानी कि रविवार को नमक खाते हैं, उतना ही हमारा सूर्य खराब होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं सूर्य को अच्छा करने के लिए। आप अपने फादर को उनको आप कुछ जैसे 2,000 रुपये दीजिए, 500-500 के दो नोट दीजिए, उनको 500 रुपये दीजिए, मतलब आपने उनको खुश करना है। उनको पैसे दीजिए, उनके लिए गिफ्ट लेकर आइए और उन्हें मिठाई खिलाइए, इससे आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। सूर्य को अच्छा करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप रोज़ जल चढ़ाया कीजिए। जल चढ़ाने का भी एक टाइम होता है, ये नहीं है कि आपने सुबह जल चढ़ाना है, हमने खाली पेट चढ़ाना है, लेकिन आप उठे 10 बजे 8 बजे उठ गए और उठने के बाद भी आपने जल्दी नहीं की, आपने पहले चाय पी ली, बेड टी पी आपने, और उसके बाद आपने घंटा अपना मोबाइल देख लिया, उसके बाद आपने कितनी दुनिया जहान की खबरें न्यूज़ आपने टीवी चैनल पे देख ली, उसके बाद आराम से आपने सूर्य देवता को जल चढ़ाया और फिर आप उम्मीद करते हैं कि सूर्य देवता आपसे बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे, तो ये उम्मीद करना बेकार है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देवता आपसे खुश हो जाएं, तो रोज़ अपने फादर के पास कम से कम आधा घंटा जरूर बिताया करें। उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछें, उनसे उनका हाल पूछें, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालें, तभी आपसे सूर्य देवता खुश होंगे। अगर आप सूर्य देवता को जितना मर्जी खुश कर लो, मैं बार बार ये बात क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हम सूर्य देवता को तो मान लो खुश कर लेंगे जिनको जॉब लेनी है, लेकिन वो अपने फादर से बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं। मेरे पास बहुत सारी होरोस्कोप्स आती हैं जिसमें होता है कि उनकी उनके फादर से नहीं बनती। अरे बाबा, फादर से नहीं बनती, वो आपके दुश्मन तो नहीं, आपके विचार अलग हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने फादर के पास बैठिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालिए और फिर देखो सूर्य देवता कैसे आपसे खुश होते हैं। और सूर्य देवता खुश हो गए तो आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाना पक्की है। आप मेरे बताए हुए इन उपायों को फॉलो कीजिए और गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत जल्दी मिलेगी। ओम नमः शिवाय।